क्या लगता है, क्या टाइटंस के लिए टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है? मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के सीरीज में जो टाइम ट्रेवल और टाइम जंप देखने मिला था, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? एंड इस सीरीज में जो हॉलो अर्थ देखने मिला, वो बाकी मूवीज से इतना अलग क्यों है? इन सारी चीजों को आज डिटेल में समझेंगे। अब तुमने अगर मोनार्क सीरीज देखी है तो तुम्हारे लिए समझने में आसानी होगा, लेकिन जिन लोगों ने इसे नहीं देखा उनके लिए एक बार इस सीरीज के टाइम ट्रेवल वाले पार्ट को फिर से जान लेते हैं। तो सीरीज के एक पॉइंट पे हमें दिखाया जाता है कि बिल रैंडा, ली शॉ एंड केइको मुएरा 1959 में एक रेडिएशन को फॉलो करते हुए कजाकिस्तान पहुंचते हैं, जहां एक अननोन क्रिएचर के अंडे से जेनेटिक्स कलेक्ट करने के दौरान उनके ऊपर अचानक से हमला हो जाता है। अब इस हमले में केइको उन क्रिएचर्स के साथ जमीन के नीचे चली जाती है, जहां इस इवेंट के बाद सबको तो ऐसा ही लगा था कि केइको मर चुकी है, लेकिन सीरीज के आखिर में हमें पता चला कि वो जिंदा थी एंड उस हमले के कारण वो जिस जगह पर आके गिरी थी उस जगह का नाम था एक्सेस मंडी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि केइको जब वहां पर गिरी तब से लेकर उसके लौटने तक सिर्फ 58 डेज ही हुए थे, मतलब केइको ने वहां पर 58 दिन बिताए, लेकिन 58 डेज बाद जब वो सरफेस वर्ल्ड में वापस आई तब 1959 के जगह वो 2017 में वापस आई, मतलब वो उस काइंड ऑफ हॉलो अर्थ में गिरी थी 1959 को एंड वापस आई 2017 को। हिसाब लगाए तो 58 इयर्स का टाइम जंप, लेकिन ये 58 इयर्स का टाइम गैप उसके लिए केवल 2 महीने के बराबर था, है ना इंटरेस्टिंग बात। बट एक टाइम के लिए अगर इस टोटल इंसिडेंट को साइड में रख दें तो एक और ऐसा ही टाइम ट्रेवल हमें देखने मिला था इस सीरीज में, जो ली शॉ के साथ हुआ था। सो इसके टाइमलाइन के हिसाब से केइको जब वहां पर गिरी उसके 3 साल बाद, यानी 1959 के 3 साल बाद 1962 में मोनार्क एक मिशन को लॉन्च करता है, जहां इस एक्सपीडिशन को लीड कर रहे थे ली शॉ। अब इस मिशन में उन्हें टाइटन लूट गैजेट की मदद से एक पोर्टल को पार करके अर्थ के नीचे अंडर स्पेस में जाना था निरीक्षण के लिए, लेकिन ये पोर्टल्स ह्यूमन के लिए उतने सेफ टू ट्रेवल नहीं थे, इंसान इसे आसानी से पार नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें एक टाइटन की जरूरत थी। इस मिशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन आवरग्लास। अब मिशन तो सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है, लेकिन उनकी लैंडिंग थोड़ी गड़बड़ा जाती है। अब जैसा भी हो, वो लोग वहां पर जाके अपना रिसर्च चालू करते हैं, बट आफ्टर ए वीक और समथिंग जब वो लोग वापस आने के लिए इवैक्यूएशन की तैयारी करते हैं तब अचानक उनके ऊपर एक आयन ड्रैगन हमला कर देती है, जिससे सिर्फ ली शॉ ही बच के निकल पाता है। अब यहां पर ध्यान देना, ली शॉ ने मिशन स्टार्ट किया था 1962 में, लेकिन जब वो वापस आए तब 1962 से 20 साल गुजर चुके थे, यानी 1982 में वो वापस आए। मतलब ली शॉ ने जिस बच्चे को मिशन स्टार्ट होने से पहले 10 साल का देखा था, मिशन के एक हफ्ते बाद उस बच्चे का उम्र बढ़ के 30 साल का हो गया होगा। ये जो 20 इयर्स का टाइम गैप हुआ उनके लाइफ में, ये ली शॉ के लिए केवल 7 दिन के बराबर था, जबकि हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखा था कि हॉलो अर्थ में आने जाने से कोई टाइम का गैप नहीं बनता। अगर अर्थ के सरफेस पे तुम्हारा कोई दोस्त है सेम एज का एंड तुम हॉलो अर्थ में हो तो तुम दोनों के लिए टाइम एक ही गति से चलेगा, बट पर्टिकुलर इसी जगह पे आके टाइम स्लो क्यों हो जाता है, इसे जानने के लिए पहले हमें इस जगह के बारे में जानना होगा कि एक्सेस मंडी असल में क्या है। सो मान लो ये है सरफेस वर्ल्ड, अर्थ की ऊपरी सतह। अब इसके नीचे है हॉलो अर्थ, यानी पृथ्वी का खोखला हिस्सा। अब इन दोनों जगह को आपस में जुड़ते हैं ये पोर्टल्स, जिसके थ्रू तुम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो। अब सरफेस वर्ल्ड से हॉलो अर्थ का डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इसी लॉन्ग रूट के बीच बीच में कुछ छोटे छोटे पॉकेट डायमेंशन पड़ते हैं। अब यही पॉकेट डायमेंशन या पॉकेट रियल्म को बोला जाता है एक्सेस मंडी। ये रैबिट होल की तरह है, आपस में इंटरकनेक्टेड। अब ये डायमेंशन उन्हीं पोर्टल के साथ कनेक्टेड है जो हमें सीधे हॉलो अर्थ ले जाता है। अब आसान तरीके से समझने के लिए इस इमेज को देखो, ये है सरफेस वर्ल्ड, अर्थ का बाहरी हिस्सा, एंड ये है हॉलो अर्थ, एंड इसके बीच का जो हिस्सा है ये है एक्सेस मंडी, जिसका मतलब होता है सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, धरती एंड स्वर्ग के बीच की दुनिया। अब ये तो समझ में आ गया कि एक्सेस मंडी असल में कहाँ पड़ता है, सरफेस वर्ल्ड एंड हॉलो अर्थ के बीच में। बट ये लोग जब जब सरफेस वर्ल्ड के नीचे एक्सेस मंडी में जा रहे थे तब तब उनके लिए टाइम स्लो हो जा रहा था। अब सवाल आता है ऐसा क्यों? चिंता मत करो, एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा। मान लो ये है सरफेस वर्ल्ड और ये है हॉलो अर्थ, और यहाँ पर 2 वोर्टेक्स हैं जिसके थ्रू तुम सरफेस वर्ल्ड से हॉलो अर्थ में जा सकते हो। अब जैसा कि एक्सेस मंडी इन दोनों जगह के बीच में पड़ता है तो यहाँ पर किसी पोर्टल का कोई एंड पॉइंट हमें नहीं देखने मिलता, डायरेक्ट चेंबर बना हुआ है। अब जब भी कोई पैसेंजर इन वोर्टेक्स के थ्रू ट्रेवल करता है तब उनके शरीर पे एक खिंचाव, एक फोर्स अप्लाई होता है, जैसे उनको खींच के कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेज रहा हो। ये जो तनाव क्रिएट होता है ना इस पॉइंट पे, ये ग्रेविटी के कारण होता है, और ग्रेविटी का फोर्स इतना ज्यादा होने के कारण इन दोनों सतह के बीच का जो टाइम है वो स्लो हो
हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज पहले क्लियर कर लेते हैं कि जब ग्रेविटी ज्यादा होगी तब टाइम स्लो चलेगा। जैसे कि ब्लैक होल की ग्रेविटी तो बहुत ज्यादा है, लाइट भी कर्व होकर उसके अंदर चली जाती है, बच के बाहर नहीं आ सकती। अब अगर कोई प्लेनेट इस ब्लैक होल के बिल्कुल पास होगा तो उस प्लेनेट में समय स्लो हो जाएगा ग्रेविटी के कारण, वहीं पर पृथ्वी का समय उस प्लेनेट के मुकाबले फास्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट हमें इंटरस्टेलर मूवी में ऑलरेडी देखने मिला था। अब बैक टू एक्सेस मंडी। सो इसी ग्रेविटी के फोर्स के कारण यहाँ पर टाइम स्लो हो जाता है। अब यहाँ पर ग्रेविटी ऐसे क्यों काम करता है, इसका थ्योरी कॉम्प्लेक्स है, बट यहाँ का बिताया हुआ एक घंटा पृथ्वी के सरफेस के लिए एक साल के बराबर हो सकता है। इसी टाइम के फ्लो को टाइम डायलेशन कहा जाता है, इसे हम टाइम ट्रैवल नहीं कह सकते। हाँ, सुनने में कूल लगता है टाइम ट्रैवल, लेकिन इन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। सिंपली टाइम ट्रैवल में तुम अपने प्रेजेंट टाइम लाइन से आगे या पीछे दोनों साइड में जा सकते हो, यानी फ्यूचर एंड पास्ट दोनों समय में जा सकते हो। लेकिन टाइम डायलेशन में समय केवल एक ही दिशा में फ्लो करता है, तुम आगे या पीछे नहीं जा सकते। सिंपल शब्दों में एक्सेस मंडी में तुम्हारा टाइम स्लो हो जाता है, तुम्हारा समय रुक जाता है, जैसे मोनार्क में ली शो एंड केइको मुएरा के साथ हुआ था। लेकिन देखा जाए तो इन दोनों का टाइम जंप एग्जैक्ट सेम नहीं था। ली शो ने एक हफ्ते में 20 साल कवर किए, वहीं पर केइको ने 58 दिनों में 58 ईयर्स कवर किया। मतलब केइको का बिताया हुआ एक दिन एक साल के बराबर था, उसी जगह ली शो का बिताया हुआ एक दिन लगभग 3 साल के बराबर था। अब ऐसा क्यों? ये हुआ था ग्रेविटी डिस्टॉर्शन के लिए। मतलब एक्सिस मंडी के हर जगह पे ग्रेविटी का फोर्स तो ज्यादा है, लेकिन ग्रेविटी का फोर्स अगर हर जगह पर सेम तरीके से काम ना करे तो वहां पर क्या होगा? कहीं पर ग्रेविटी ज्यादा होगा तो कहीं पर ग्रेविटी कम, जिसलिए समय में भी हमें अंतर देखने मिलेगा। इसे ग्रेविटी डिस्टॉर्शन कहा जाता है। अब केइको एंड ली चाहे भी तो टाइम में पीछे जाके अपने खोए हुए जिंदगी को नहीं जी सकते। जो साल उनके हाथ से निकल गया उन्हें वापस से जीना इम्पॉसिबल। लेकिन ये लोग अगर चाहे तो फिर से एक्सेस मंडी पे जाके वहाँ पर एक और महीना रुक के अमर हो सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट के कारण लोगों के बीच एक थ्योरी पॉपुलर हुई थी कि टाइटेंस कैसे लाखों करोड़ों साल तक जिंदा रह पाते हैं। हो सकता है ये टाइटेंस कभी कभी एक्सेस मंडी पे वीकेंड्स बिताने जाते हो, फिर मस्त जब बाहर आते हैं तब हजारों साल ऑलरेडी बीत चुका होता है। लेकिन प्रॉपर वे में ये एक्सेस मंडी इन बड़े बड़े टाइटेंस के लिए नहीं है। यहाँ का वातावरण, टाइम का बहाव, नेचर सब अलग है, जिसलिए उन लोगों का यहाँ पर सर्वाइव करना चैलेंजिंग होगा। बट कुछ दिनों की अगर बात हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस ग्रेविटी एंड नेचर के चेंजेस के कारण एक्सेस मंडी पे हमें अलग अलग क्रिएचर एंड जीव जंतु भी देखने मिले, जो फिर हॉलवर्ड से काफी अलग थे। अब तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल चुका है। इन चीजों को छोड़कर अगर और कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो कमेंट में, एंड एक्सेस मंडी को लेकर कुछ अलग थ्योरी है तुम्हारे दिमाग में तो जरूर से कमेंट करना, मैं भी पढ़ना चाहूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना, एम करते हैं 20 लाइक का, बस 20 लाइक्स कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठंडा।